दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूल टाइम में नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान, कार्रवाई के लिए धावा दल का गठन। जी हां देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शिक्षा विभाग ने एक रोचक फैसला लिया है। दरअसल अब जिले में स्कूल टाइम में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। मुजफ्फरपुर शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं नहीं चलेगी। स्कूल में लगातार कम हो रही उपस्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही पकड़े जाने पर कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने सभी कोचिंग सेंटर को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सुबह 9:30 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस अवधि में यदि कोई कोचिंग सेंटर खोला पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक जिले में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन होता है। ऐसे में इस अवधि में कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जाएंगे। कार्रवाई के लिए धावा दल का गठन किया जाएगा। दूसरी तरफ में देखिए, शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, स्कूल में कम हुई बच्चों की उपस्थिति तो नापेंगे प्रिंसिपल और टीचर। जी हां देखिए, बिहार में गिरते शिक्षा के स्तर को लेकर राज्य सरकार काफी सतर्क है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने शिक्षा और बच्चों की उपस्थिति को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार के अनुसार शिक्षा में सुधार को लेकर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से किसी भी स्रोत में कम नहीं होनी चाहिए और यदि मॉनिटरिंग के दिन स्कूल में 60% से कम बच्चे पाए गए तो प्राचार्य और शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्हें उपस्थित छात्र और छात्राओं के अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही छात्र जल्द से जल्द स्कूल आ सके इसके लिए भी जागरूक करना होगा। साथ ही टीचर को कम से कम स्कूल में कुल नामांकित बच्चों के 75% स्कूल होगा। हालांकि इसके लिए वे विद्यालय शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता ले सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने स्कूल को मॉनिटरिंग और कड़ा करते हुए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि स्कूल के निर्धारित समय पर नहीं खुलने या फिर निर्धारित समय से पहले बंद होने पर प्राचार्य जिम्मेदार माने जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नवंबर में ही 9 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान, गया रहा राज्य का सबसे ठंडा शहर। जी हां देखिए, बिहार में ठंड का आगाज हो चुका है। पछवा हवा की गति घटने और बढ़ने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार के 6 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पटना समेत प्रदेश के 17 जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं देखिए, पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। साथ ही देखिए, बिहार का गया लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा। गया का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री गिरावट के साथ ही 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछवा के कारण प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। वहीं कैमूर, रोहतास, भभुआ, गया जिले का न्यूनतम पारा 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। साथ ही 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा पछवा हवा का प्रभाव होने से दिन में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन शाम में ठंड का एहसास होगा। बड़ी खबर में देखिए, वैशाली हादसे में 12 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव बेहद दुखी, कर दिया बड़ा ऐलान। जहां देखिए, बिहार के वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। वहीं इसी बीच हादसे पर केंद्र और बिहार सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। दरअसल रविवार को महनार मोदी नगर SH पर स्थित ब्रह्म स्थान के पास कुछ लोग भैया बाबा की पूजा के दौरान नेवतन पूजा कर रहे थे। इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को रौंद दिया, जिसमें 8 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। CM नीतीश कुमार ने इस घटना को दुखद बताते हुए मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को अविलंब अनुग्रह अनुदान 5-5 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर में देखिए, RJD ऑफिस में भी अब लगेगा जनता दरबार, तेजस्वी यादव के मंत्री सुनेंगे लोगों की शिकायत। जी हां देखिए, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में भी अब जनता दरबार लगेगा, जहां डिप्टी CM तेजस्वी यादव के मंत्री लोगों की शिकायत सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी मंगलवार से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसका नाम सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। RJD की ओर से एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। वहीं RJD के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई होगा। साथ ही आपको बता
बता दें कि इसमें दो विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे, आरजेडी के प्रधान महासचिव और राजस्व एवं भूमि सुधार तथा गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि राजद के तत्वावधान में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के विचार के अनुरूप सुनवाई कार्यक्रम की मंगलवार को शुरुआत हो रही है। यह जन सुनवाई दिन में 1 बजे से 3 बजे तक पार्टी के प्रदेश कार्यालय से की जा रही है। इसमें राजद कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राजद कोटे के मंत्री से मिले। यह सुनवाई कार्यक्रम 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। 22 नवंबर को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दो विभाग के मंत्री जन सुनवाई करेंगे। बाड़ीखर में देखे रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार की 12 से अधिक ट्रेनें रद्द, 3 महीने तक नहीं चलेगी ये गाड़ियां। जहाँ देखिए कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जाती है, ऐसे में ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की गति से चलाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। वहीं संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुछ ट्रेनों को परिचालन रद्द कर दिया गया है तथा कुछ परिचालन के दिनों में कमी करके चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उसमें अम्बाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस, आनंद बिहार सीतामढ़ी लीची एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कामाख्या आनंद बिहार एक्सप्रेस और अमृतसर बनमकी जनसेवा एक्सप्रेस शामिल है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में हादसे को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट पर सड़कें चौड़ी होगी। जहाँ देखिए वैशाली जैसा सड़क हादसा दोबारा ना हो इसके लिए पुलिस और अन्य विभाग मिलकर काम करेंगे। खासकर ब्लैक स्पॉट वाले स्थान को चिन्हित कर दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जरूरी हुआ तो सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के 28 टोला के समीप कई लोग अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सभी स्तर से प्रयास किए जाएंगे। विशेष तौर पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर गहन कार्रवाई की जाएगी। सड़क और परिवहन विभाग के अधिकारी साथ मिलकर आईजी ट्रैफिक व सड़क एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। जरूरी हुआ तो सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा। बाड़ीघर में देखिए बीपीएससी 68वीं परीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव। जी हाँ, देखिए बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं देखिए बीपीएससी 68वीं सीसीए प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ये जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। वहीं उम्मीदवार नए विज्ञापन में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग से निकाले गए विज्ञापन के हिसाब से 281 पद निकाले गए हैं। इसमें सबसे अधिक पद कल्याण पदाधिकारी के लिए 60, राजस्व अधिकारी के लिए 39, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 40 और अवर निरीक्षक का 20 सहित 22 विभागों के लिए रिक्तियां निकाली गई है। वादे के बीपीएससी की अधिसूचना के अनुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होना तय है। आयोग की ओर से फॉर्म भरते समय छात्रों से इसे लेकर राय मांगी गई है। आयोग की ओर से उम्मीदवारों को 3 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आवेदन फॉर्म भरते समय उन्हें 1 विकल्प चुनना होगा। सर्वाधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विकल्प को परीक्षा में अपनाने को लेकर आयोग की परीक्षा समिति विमर्श करेगी। छात्रों से प्राप्त आवेदन के बाद परीक्षा के पैटर्न में शामिल किया जाएगा। बाड़ीघर में देखिए बीजेपी पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा नरेंद्र मोदी ने बिहार को लालू नीतीश के भरोसे छोड़ दिया। जहाँ देखिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बिहार को पिछड़ा ही रहने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को लालू यादव और नीतीश कुमार के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस कारण राज्य का सुधार नहीं हो पाया है। सभी दल जाति और सामाजिक समीकरण में उलझे हुए हैं, इसलिए राज्य में बदलाव नहीं हो पा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में जन स्वराज यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए पीके ने ये बातें कही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही लोगों से चालाकी की है। उन्होंने जिस समाज को आवाज दी उसे शिक्षा नहीं दे पाए, भूमि सुधार लागू करके जमीन नहीं दे पाए, उस समाज के पास पूंजी नहीं थी। जो लोग पिछड़े थे वे अब भी वैसे के वैसे ही, वो लोग लालू के समर्थन में नारे लगा सकते हैं लेकिन उनके बच्चे लालू के बेटे के बराबरी में नहीं बैठ सकते हैं। बाड़ीघर में देखे लालन सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा रोजगार का झूठा वादा करना बीजेपी का काम, अग्निवीर से बड़ी बेरोजगारी। जहाँ देखिए बिहार के राजधानी पटना में प्रदेश जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए छात्र नेताओं के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसी कड़ी में लालन सिंह ने केंद्र सरकार को लेकर जोरदार हमला बोला। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने कहा कि आज जो छात्र चुनाव जीत कर आए हैं वे ही कल के भविष्य है, ये लोग देश और राजनीतिक दोनों के भविष्य है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो अब अंतिम पड़ाव पर है। ललन सिंह ने कहा कि मेरे राजनीति की शुरुआत 1974 में छात्र आंदोलन के जरिए हुई थी।
उस समय हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीति में कुछ करेंगे, लेकिन आज कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके आगे ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी तो पीएम से पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही ललन सिंह ने कहा कि देश के युवाओं को आज सबसे अधिक जरूरी रोजगार मिलना है, लेकिन आज देश के युवा बेरोजगार का शिकार हो रहे हैं। देश के पीएम ने यह वादा किया था कि हर साल हमारी सरकार 2 करोड़ रोजगार देगी, लेकिन अब तक उनकी बातों का हकीकत नहीं दिखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम वोट मांगने जाते थे तो लोग यही कहते थे कि वोट तो हम आपको देंगे, बस अब रोजगार देने वाली बात से पीछे नहीं हटिएगा। लेकिन पीएम ने अब अग्निवीर योजना शुरू कर दिया है, इससे और अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जीविका दीदी संभालेगी जल चौपाल की जिम्मेदारी, महिलाओं को बढ़ेगी भागीदारी। जी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल को लेकर सरकार काफी सख्त रवैया अपना रही है। इसी को लेकर अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में हर घर नल का जल का योजना नियमित संचालन और लाभुकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर माह जल चौपाल लगाया जाना है। लेकिन हाल के दिनों में पीएचडी की रिपोर्ट नहीं मिली है कि जल चौपाल नियमित नहीं लग रहा है, जिसके बाद अब इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से पीएचडी ने निर्णय लिया है कि अब राज्य में जल चौपाल नियमित लगाने की जिम्मेदारी जीविका दीदी को दी जाएगी। खबर में देखिए, प्रदूषण के मामले में देश के 165 शहरों में पटना 11वें स्थान पर। जी हां देखिए, देश भर के 165 शहरों में राज्य के 13 शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहे। वहीं देखिए, इनमें मोतिहारी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जबकि पटना 11वें स्थान पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शाम 5 बजे जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की सूची के मुताबिक सिर्फ बिहार के 13 शहर सबसे अधिक प्रदूषित है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों से भी ज्यादा यहां के कई शहर प्रदूषित है। वहीं देखिए, शनिवार को टॉप 10 में से पहले 9 स्थान पर बिहार के ही शहर रहे। राजधानी पटना की हवा भी खराब हुई है, हालांकि छोटे शहरों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। वहीं देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों को देखें तो यह स्थिति पिछले 20 दिनों से बनी हुई है। में देखिए, कैमूर वन अभ्यारण को अगले साल मिल जाएगी टाइगर रिजर्व की मंजूरी, सीमांकन का हो रहा है काम। जहाँ देखिए, बड़ी खबर है, कैमूर वन अभ्यारण को अगले साल टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिल जाएगी। यह राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैमूर वन क्षेत्र का इलाका करीब 1600 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बीटीआर का इलाका करीब 900 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं देखिए, कैमूर वन क्षेत्र की पहुंच छोटा नागपुर की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके का है, इस कारण यह वन्य प्राणियों के लिए बहुत बड़ा इलाका है। वहीं इसके लिए फिलहाल टाइगर रिजर्व के सीमांकन को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इस अभ्यारण के आसपास की आबादी वाले इलाकों को सीमांकन से बाहर किया जाएगा। इसके लिए कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब स्थलीय सर्वे की तैयारी है। वहीं देखिए, सूत्रों के अनुसार सीमांकन से पूरी तरह आबादी वाले इलाकों को बाहर कर इसकी रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को सौंपेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय और बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम के निरीक्षण के सहित सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिलने की संभावना है। खबर में देखिए, पटना जंक्शन पर दिखेगा यूरोप के रेलवे स्टेशन जैसे नजारा, पहले फ्लोर से मिलेगा ऑटो और कैब तो तीसरे से कार। जी देखिए, बड़ी खबर है, पटना जंक्शन के आसपास की सूरत बदलने जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जो यहां बदलाव किए जा रहे हैं उनके बाद जंक्शन गोलंबर पर जाम से स्थायी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से बकरी मंडी में G2 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस योजना पर 68.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आपको बता दें, पटना जंक्शन से 440 मीटर लंबे सबवे के जरिए लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब पहुंच सकेंगे। 5 एकड़ में बन रहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का ग्राउंड फ्लोर सिटी बस सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं आपको बता दें कि प्रथम फ्लोर पर ऑटो और कैब, जबकि थर्ड फ्लोर पर कार उपलब्ध रहेगी। यहां लोगों के बैठकर इंतजार करने की व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही खाद्य सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं के स्टॉल और एटीएम आदि की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।